अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस पर हम आपको एक ऐसे ग्रामीण महिला से मिलवाते हैं जिसने मध्य प्रदेश के साथ बड़वानी जिले के नाम को गौरवान्वित किया है। बोरलाई की उन्नत महिला कृषक ललिता मुकाती, जिनको हलधर जैविक किसान अवार्ड मिला है। देश के किसानों की सर्वश्रेष्ठ संस्था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस 16 जुलाई को नई दिल्ली में उन्हें यह अवार्ड प्राप्त किया गया। पुरस्कार के रूप में उन्हें 1,00,000 रुपए और प्रमाण पत्र शील्ड प्रदान की गई थी। उन्नत महिला कृषक कैटेगरी में अवार्ड प्राप्त करने वाली वे देश की एकमात्र महिला किसान हैं। गत वर्ष उन्हें इनोवेटिव फार्मर अवार्ड भी मिल चुका है। ललिता बाई प्रधानमंत्री महिला किसान कार्यक्रम में भी शामिल हो चुकी है। ललिता मुकाती बीए पास है और खेती किसानी के कार्य में बेहतर तरीके से कर रही है। उनके पति सुरेश मुकाती कृषि विज्ञान विषय से एमएससी है और पुत्री डॉक्टर है। परिवार की करीब 110 एकड़ खेती में पति को अकेले काम करते हुए देख ललिता बाई ने खेती में हाथ बटाना शुरू किया था। रासायनिक उर्वरों के दुष्प्रभावों को देखते हुए मुकाती परिवार ने करीब 7 वर्ष पूर्व जैविक खेती को अपनाया। वर्तमान में वे करीब 40 एकड़ क्षेत्रफल में जैविक खेती रजिस्टर्ड है। ललिता बाई ने बताया कि जैविक खेती की शुरुआत सीताफल से की थी। फल और अनाज के बाद अब वे मसाला फसलें भी जैविक पद्धति से ले रही हैं। इसमें हल्दी और गिरनार की मूंगफली सहित अदरक आदि की फसलें शामिल हैं। मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था उन्हें जैविक खेती करने का प्रमाण पत्र भी प्रदान कर चुकी है। ललिता बाई ने बताया कि फसलों में रासायनिक खाद का बिल्कुल उपयोग हम नहीं करते। स्वयं फूलों, पशुओं द्वारा छोड़े पत्तों, अनाज दलहन, तिलहन, गुड़, गौमूत्र आदि से जैविक खाद बनाते हैं। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। मेरा नाम ललिता मुकाती है। मुझे शौक है शुरू से ही खेती का। वैसे तो मैं पहले से नहीं कर रही थी, अभी 10 साल से खेती से जुड़ी हूँ। मेरे पति को देखकर मुझे भी इच्छा हुई कि मैं भी क्यों ना इनके साथ खेत में जाकर इनका हाथ बटाऊँ और खेती की देखभाल करूँ, तो अपने परिवार में कुछ आमदनी और बढ़ेगी। इस हिसाब से मैंने अपनी खेती में रुझान। हम बागवानी में सीताफल है, चीकू, आंवला, नींबू और अमरूद, इस प्रकार की फसलें ले रहे हैं। और अनाजों में मक्की है, गेहूं है और डालर चने की खेती भी हम, और सारी खेती हम ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं। रासायनिक खाद के मुकाबले जैविक खाद अपनाने से क्या फ़ायदा है और क्या आर्थिक लाभ है? रासायनिक खाद के मुकाबले में जैविक खाद हमें एकदम कम लागत में मिलता है और अधिकतर प्रोडक्ट जैविक खाद के हम लोग घर पे तैयार करते हैं। बाहर से हम जैविक खाद तैयार नहीं लेते, घर पे करने की वजह से इसकी लागत हमें बहुत कम लगती है। कैसे बनाते हैं आप ये जैविक खाद? जैविक खाद हमें जंगलों से पत्ते और जंगली फूलों वगैरह से इकट्ठे करके और घर पे उनको लाकर तैयार करते हैं। आपके फल फ्रूट की मांग कहाँ कहाँ तक है? हमारे फ्रूट की मांग ऑर्गेनिक होने की वजह से दुबई से भी है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और इंदौर तक हमारा माल जाता है। क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे जैविक खेती में आगे बढ़ रहे हैं लोग? हाँ, जैविक खेती में जैसे और भी कोई यहाँ ट्रेनिंग लेते आते हैं तो सबसे पहले तो मैं उन्हें ट्रेनिंग देते समय यही बात सिखाती हूँ कि आप जैविक खेती करो। जैविक खेती जब तक नहीं करेंगे तब तक जो प्रधानमंत्री जी का सपना है खेती में किसान की आय दोगुनी करने का, उसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे। अगर जैविक करेंगे तो लगता है मुझे कि हम दोगुनी आय प्राप्त कर सके। मुझे अभी हलधर ऑर्गेनिक किसान अवार्ड भी मुझे मिला है और ये ऑर्गेनिक हलधर किसान वाला अवार्ड जो है राष्ट्रीय स्तर का है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।